उत्तराखंड में एक बार फिर आफत की बारिश हो रही है। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तापमान में भारी गिरावट आ गई है, जिससे धाम की ऊंची चोटियां बर्फबारी की सफेद चादर से ढक गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से जिले के निचले इलाकों में ठंड लौट आई है। अचानक मौसम परिवर्तन के बाद लोगों ने अपने गर्म वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं। टोटल हम लोग 13 तीर्थयात्री हैं। यमुनोत्री से अब गंगोत्री पहुंचे हैं। गंगोत्री का मौसम है, कुछ बादल तो लगा हुआ है, बारिश भी हल्का बूंदाबांदी हो रही है, चोटी पर बर्फ भी गिर रही है, लेकिन सभी तीर्थयात्री यहाँ गंगोत्री में गंगा स्नान किए हैं। अब हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से केदारनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे। गंगोत्रीपुरी में विगत 2-3 दिनों से खूब बारिश हो रही है, पर चोटियों में जो है बर्फबारी हो रही है। यात्रा भी काफ़ी मात्रा में चल रही है और यात्री जो है यहाँ के मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से जो है गंगा जी का जलस्तर भी काफ़ी कम हो चुका है और बड़ा आनंद आ रहा है। जिला मुख्यालय समेत गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते जिले में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। वहीं लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। धामों में पहुंच रहे यात्री भी बारिश और ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। आशीष मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, उत्तरकाशी।